नमस्कार, मैं दुर्गेश शर्मा आज हमारे दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर में आया हुआ हूँ। तो यहाँ दो तरीके की मशीन है जिन्हें आप सीख सकते हैं। पहला बैटरी फॉर्कलिफ्ट है, काउंटर बैलेंस फॉर्कलिफ्ट है, दूसरा हाइड्रिक ट्रक है। तो आज हम देखेंगे यहाँ कैसा ट्रेनिंग किया जाता है और आप यहाँ कौन कौन से कोर्सेज को सीख सकते हैं। दोनों मशीन्स के बारे में मैं आज आपको यहाँ ट्रेनिंग वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो में जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है ये काउंटर बैलेंस फॉर्कलिफ्ट है। काउंटर बैलेंस फॉर्कलिफ्ट मेनली दो तरीके की आती है, एक डीजल इंजन में और एक बैटरी ऑपरेटेड। तो काउंटर बैलेंस फॉर्कलिफ्ट का मेनली उपयोग जो है वो वेयरहाउसेज में और इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जहाँ ये भारी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए और जो लोडिंग ट्रक और कंटेनर को लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज़ में की जाती है। तो यहाँ ऑपरेटर जो है इससे रैक पर मटेरियल चढ़ाना सीख रहा है। इसके अलावा ना केवल हम फॉर्कलिफ्ट आपको ड्राइव करना सिखाते हैं, उसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग रैकिंग और इसके अलावा सेफ्टी के बारे में भी हम पूरा आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड सिखाते हैं। तो आप भी अगर इंडस्ट्रीज में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए काउंटर बैलेंस फॉर्कलिफ्ट जो है बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जो हम दूसरी फॉर्कलिफ्ट जो सिखाते हैं उन्हें हाइड्रिक ट्रक बोलते हैं। हाइड्रिक ट्रक का उपयोग जो है मेनली वेयरहाउसेज में किया जाता है, जहाँ ज़्यादा ऊंचाई पर मेटल को चढ़ाने की रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। जैसा कि आप हमारे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ऊंचे-ऊंचे रैक लगे हुए हैं और ये जो सामने मशीन दिखाई दे रही है इसे हाइड्रिक ट्रक बोलते हैं। तो हाइड्रिक ट्रक का उपयोग जो है 25 फीट 30 फीट 35 फीट ऊँचाई पर रैक पर मेटल चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो नॉर्मली ये वेयरहाउसेज के अंदर यूज़ में आती है। तो अगर आप भी अपना भविष्य मेटल हैंडलिंग लाइन में बनाना चाहते हैं, वेयरहाउसेज में बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।